करते हैं साहिवाल का, जहां पर जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान के ज़रिए तमाम मुल्क भर और आज़ाद कश्मीर में 21 मई जुमातुल मुबारक को इसराइल जारहियत की मजम्मत और मज़लूम फ़लस्तीनी भाइयों से इजहार यकजहती के सिलसिले में योम दुआ मनाया जाएगा। जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान के नायब नाज़म पंजाब हाजी मोहम्मद शफीक सुल्तानी की रहायशगाह पर पंजाब भर के उलमाए इकराम ने शिरकत की, जिनमें सूबाई नाज़म आला अलामा मोहम्मद फारूक खान सईदी, कारी गुलाम रसूल, नाज़म आला साहिवाल अलहार शेख मोहम्मद नायब अमीर डिवीजन साहिवाल ने पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फ़लस्तीनी मस्जिद अक्सा में इसराइल की बदतरीन गुंडागर्दी और नमाजियों पर सफाखाना हमलों की मजम्मत करते हुए मुस्लिम हुक्मरानों बिलखसूस अरब सरबराहान की बेहिसी पर गम और गुस्से का इजहार किया। इन्होंने मुतालबा किया कि अक़वामे मुत्तहदा की सलामती कौंसिल को OIC के हंगामी अजलासों में इसराइल के खिलाफ अमली इकदामात शेर ख्वार बच्चों, खवातीन, नौजवानों और बुजुर्गों तक को अपनी सफाकी का निशाना बना रहे हैं। दूसरी तरफ बाज़ अरब ममालिक इसराइल को तस्लीम करने के लिए बेचैन दिखाई दे रहे हैं। आखिर पर हाजी मोहम्मद शफीक सुल्तानी ने दुआए खैर करवाते हुए तमाम उलमाए इकराम और सहाफ़ियों का शुक्रिया अदा किया। रिपोर्ट शाहजेब खान साहिवाल।